इस क्लास को देखें, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, फायदेमंद होने वाली है। सीटेट एग्ज़ाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? जो बालक होता है उसको प्राथमिक सामाजिकरण का पाठ है वो परिवार से होता है। किससे? परिवार से होता है। प्राथमिक एजेंसी, एक क्वेश्चन और आता है कि परिवार बालक की किस प्रकार की एजेंसी है? तो बालक के परिवार एक बालक की प्राथमिक एजेंसी है, ये क्वेश्चन भी आता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे? इसका आंसर आप लोग बताएं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, एमएस स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे? तो यह मटर पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इन्हें अनुवांशिकी के जनक भी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अनुवांशिकी के जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता नामक एक पक्षी होता है, वह घोंसला बनाता है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ परिवार, पितृवंशी परिवार, ये परिवारों के अनेक प्रकार होते हैं। इसलिए सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ कारण ये है कि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूदा हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। किससे करते हैं? बर्फ से। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी है। नीचे दिए गए समूह में से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों को बताइए। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, रेखा ने अपनी सहेली को बताया कि डॉक्टर ने उसे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी है, जैसे गेहूं, चावल, आलू, शक्कर आदि। अगला क्वेश्चन,
सरिता को ऐसा रोग हुआ है जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है। यह हमारे शरीर में एक खनिज की कमी को बताता है। यह हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। उस खनिज का नाम बताइए जिसकी कमी से यह रोग होता है। कैल्शियम कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम पोटेशियम। लोहे तत्व पालक में पाया जाता है, किसमें? पालक में। इसके बाद सरिता को ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। कैसा होता है? घेंगा। आंसर इसका एक करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, विटामिन और रोग। जिस विटामिन से रोग होता है उसको मिलाना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बी वन की कमी से बेरीबेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बना लीजिए। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, पहले का दूसरा। इसका पहला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राहुल के शिक्षक ने आज कक्षा में उन्हें कचरे का प्रयोग कैसे वनस्पतिक खाद बनाने के लिए करना चाहिए बताया, साथ ही कचरा दूर करने के लिए 3 R का प्रयोग भी बताया। ये 3 R हैं, रिडक्स, रिसाइकल, रियूज। पुनः चक्रण जिसको रिसाइकल कहते हैं, रिज्यूम, कम चक्र। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह EBS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी सृष्टि वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये तो होता है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी होता है। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, ये भी होता है। लेकिन श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, ये गलत है। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन,
पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? तो एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो आलू से चिप्स बनाई जाती है, सेब से जैम बनाया जाता है, कच्चा आम से अचार डाला जाता है, लेकिन सही विधि नहीं मानी जाती है दूध से दही बनता है, लेकिन दूध से पनीर, ये गलत जोड़ा संरक्षण के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए गलत जोड़ा माना जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? मच्छर मलेरिया से होता है, एनीमिया में रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन, तो आज 16 क्वेश्चन थे एनवायरमेंट पर्यावरण की। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर, अगली क्लास में फिर मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद।